तो दोस्तों मुझे इनवाइट किया गया था अनुसुईया गोदाम में जाकर उनके शानदार गोवंश को देखने के लिए। और जैसा कि मैं या आप में से कोई भी बंदा करता, मैं पहुंच गया जूनागढ़ जिले के मानावदर में आए अनुसुईया गोदाम चैरिटेबल ट्रस्ट में। और हाँ, स्पेशल थैंक्स टू इतन भाई सेठ जो कि गौशाला के ओनर हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे परमिशन दी कि मैं उनकी सुंदर सुंदर गायों को जो है वो वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिखा पाऊँ। अनुसुईया गोदाम में 250 के जितना गोवंश है, जिनमें से ज़्यादातर जो है वो तो गिर नस्ल से है, लेकिन उसके अलावा भी कांकरेज भी है यहाँ पर, और साथ ही में पुंगनू नस्ल की काफ़ी छोटी छोटी गायें जो है वो भी यहाँ पर है। यह जो पूरी गौशाला है वो कुल मिला के 30 एकड़ में फैली हुई है, और गाय जो है वो यहाँ पर खुले में अपनी मर्जी से उछल कूद कर सकती हैं। और करीब 40 के जितने लोग जो है वो यहाँ पर इस गौशाला में गायों के साथ काम करते हैं। संवर्धन के लिए फेमस ब्लडलाइन से ताल्लुक रखने वाले 9 से भी ज़्यादा जो नंदी महाराज है वो भी यहाँ पर है। नंदी के साथ साथ गायें भी जो है वो काफ़ी विशेष है, क्योंकि यहाँ पर एलियाई सिलेक्टेड यानी कि रिटेरियो एक्सक्लूसिवो इम्पोर्टाडो, मतलब ज़्यादा दूध देने वाली गाय जिनके एम्ब्रियो ब्राज़ील में एक्सपोर्ट किए गए थे, वैसी जो गाय है वो भी यहाँ पर है। उसकी भी आप प्रोग्राम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जो कि है एलियाई 62 और एलियाई 112। उसके अलावा भुवनेश्वरी पीठ गोंडल की गाय बीपी 16 नंबर, भाड़वा दरबार साहब की गाय रुचा भाड़वा जो कि अपने टाइम की सबसे बेहतरीन गायों में से एक थी, कामधेनु गौशाला नूरमाल पंजाब से लाए गए अंगद केजीएसजी और साथ ही में बंसीधर केजीएसजी, फिर कुंडर मंदिर से आए गए श्याम 519 नंबर का नंदी जो कि पूरा श्याम कपिला नंदी है, और साथ ही श्री गौशाला पोरमंदर से भी लाई गई काफ़ी सारी जो गायें हैं वो यहाँ पर मौजूद है। यानी कि गुजरात की सभी बड़ी बड़ी और अच्छी जगहों से यहाँ पर जो है वो गौवंश को लाकर उनका संवर्धन किया जा रहा है। वैसे इन गिर गायों की सुंदरता जो है वो आप खुद ही देख सकते हैं। अनुसुईया गोदाम के अगर नंदियों से मैं आपको मिलाऊं तो सबसे पहले तो है कोहिनूर, फिर है तोखार 175, बगलियो, केसर 180, अंगद केजीएसजी, बंसीधर केजीएसजी, श्याम 519, 307 पारुलनो, 276 राजेश्वरीनो। वैसे हर एक नंदी का अलग से पेडिग्री डिटेल्स वाला वीडियो जो है वो मेरे चैनल के ऊपर आएगा, तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लेना, वरना ये जो नंदियों के वीडियो है वो आप मिस कर दोगे। अनुसुईया गोदाम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है गायों का संवर्धन, इसलिए इतनी शानदार गायों और बुल्स से जो बछड़े पैदा होते हैं यानी कि जो मेल काप्स होते हैं उन्हें गौशाला से बाहर जो है वो बिल्कुल फ्री में दिया जाता है, ताकि जो दूसरे गोपालक हैं उन्हें भी इतनी अच्छी ब्लड लाइन जो है वो उन्हें यूज़ कर सकें और उन्हें भी काफ़ी अच्छा लाभ हो। और अगर हम आगे बात करें तो अनुसुईया गोदाम में गायों का दूध या फिर घी जो है वो बेचा नहीं जाता, बल्कि जो पूरा जो दूध है वो गाय अपने बच्चे को ही पिलाती है, जिससे बच्चों की तंदुरुस्ती और हेल्थ जो है वो काफ़ी बढ़िया रहती है, आप खुद ही फोटोग्राफ्स और वीडियो में देख सकते हैं। सुबह में और शाम को गाय को व्यायाम के लिए खुले में छोड़ा जाता है, और दोपहर को वैसे तो गाय बड़े पेड़ों के नीचे प्राकृतिक वातावरण में ही रहती हैं, मगर उनको गर्मी से बचाने के लिए स्प्रिंकलर्स यानी कि जो पानी के फव्वारे हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही में गायों को पहचानने के लिए गौशाला की खुद की ब्रांडिंग भी है, जो कि आप गाय के पिछले पैर में देख सकते हैं, AG का मतलब होता है अनुसुईया गोदाम। दोस्तों इस एक छोटे से वीडियो में इतनी बड़ी गौशाला की पूरी जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता, इसीलिए काफ़ी सारे पार्ट्स में वीडियो आएंगी, जिसमें सबसे पहले कोहिनूर बुल की वीडियो और बाद में एक के बाद एक सभी बुल्स की पूरी जो इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। और हाँ, अनुसुईया गोदाम की कई सारी इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स जो हैं वो भी आएंगी मेरे चैनल के ऊपर, तो उसे भी देखना मत भूलिएगा।